गौ तस्करी पर जो एग्जिस्टिंग कानून था उसे विष्णुदेव साय सरकार ने और सख्त कर दिया है। डीजीपी ऑफिस से एक सर्कुलर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में भेजा गया और सख्ती से ये बताया गया कि अब कोई भी गौ तस्करी करते हुए नजर आया तो 7 साल की सजा होगी उसे और 50,000 का जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। इनफैक्ट पुलिस पर भी गाज गिरेगी अगर इन ऐसे गौ तस्करी वाली कार्रवाई नहीं की गई उन लोगों पर जिनको गौ तस्करी करते हुए पकड़ा गया। संदेश काफी साफ था कि गौ तस्करी के मामले में जितने इजाफे हो रहे थे उसे रोकने के लिए इस कानून को और सख्त कर दिया गया। ये बात तो साफ है कि गौ तस्करी के मामले पर सरकार काफी ज्यादा गंभीर है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी मामले आए। छत्तीसगढ़ में इनफैक्ट पहला एक ऐसा मामला आया था 7 जून को कि जिसमें 3 मुस्लिम लड़के जो भैंस यानी कि जो कैटल है उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे थे, बलौदा बाजार से उन भैंसों की खरीदी हुई थी और उन भैंसों को लेके जाया जा रहा था हैदराबाद, लेकिन रास्ते में बलौदा बाजार से जब निकले और आरंग जब पहुंचे बिल्कुल उसी वक्त महानदी ब्रिज पर उन्हें कई लड़कों ने कुल 10 से 15 लड़कों ने उनका पीछा किया और पीछा भी इतनी बेदर्दी से किया, पत्थर मारे, उनके टायर पंचर करने की पूरी कोशिश की और फाइनली जब टायर पंचर हुआ तो उन्हें रोक कर काफ़ी बेदर्दी से मारा गया। उनमें से दो लोग कुछ बहुत गंभीर रूप से जो इंजर्ड थे उनमें से एक की मौत वहीं ऑन द स्पॉट हो जाती है, दूसरे को ब्रिज से महानदी ब्रिज से ही नीचे फेंक दिया जाता है। अब इसी पर हम डिस्कशन करेंगे कि इसके आगे ये जो मामला है ये आगे कैसे बढ़ा है। नमस्कार, जय जोहर, मेरा नाम सुमित केवल पटेल है, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंडअप में। और आज की राउंडअप में बहुत अहम इशू जो हमने जिस पर पहले भी राउंडअप किया है जिस पर आप सभी ने बहुत अपने फीडबैक भी दिए थे कमेंट सेक्शन पर कि क्या गौ तस्करी के नाम पर कानून अपने हाथ में लेना चाहिए या नहीं, इस पूरे मामले पर मॉब लिंचिंग की एक वारदात हुई थी जिसका मैंने अभी जिक्र किया। उस वारदात में जैसे कि मैंने बताया दो लोग बहुत बेदर्दी से जिनको मारा गया था उनमें से एक की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई, एक को हॉस्पिटल ले जाते वहाँ हॉस्पिटल में डिक्लेयर कर दिया गया कि ही वॉज ब्रॉट डेड, और थर्ड जो सद्दाम 10 दिन तक कोमा में रहा और श्री बालाजी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता रहा, काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट चलता रहा, उसके बावजूद 10 दिन अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ते लड़ते आखिरी सांस 17 जून को सद्दाम ने ली। तो सद्दाम गुड्डू मियाँ और चांद मियाँ ये तीनों जो थे जिनकी जान कहीं ना कहीं उस सस्पिशन पर ले ली गई कि ये गौ मांस लेकर जा रहे हैं, गौ तस्करी कर रहे हैं, और ये 10-15 लड़के जैसे कि फैमिली बताती है विक्टिम की, ये 10-15 लड़के उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें काफ़ी बेदर्दी से मारा गया। लेकिन अब इस पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये आ रहा है कि पुलिस ने इस केस पर फाइनली अपनी चार्जशीट दर्ज कर दी है और उनकी चार्जशीट के कुछ स्निपेट्स हमारे हाथ में लगे हैं एक्सक्लूसिवली, और उन स्निपेट्स में ये बात साफ है कि पुलिस ने ये कह दिया है कि बिल्कुल ये सुसाइड का मामला है क्योंकि उन तीनों लड़कों को फॉलो किया जा रहा था और काफ़ी फॉलो करते हुए पथराव भी हो रहा था, उनकी गाड़ी के टायर पंचर करने की कोशिश हो रही थी और उनको समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं उनके पीछे इसी चक्कर में लोग पड़ गए हैं कि वो गौ मांस की तस्करी कर रहे हैं, गौ तस्करी में इन्वॉल्व है। तो इसलिए डर के मारे वो महानदी से कूद गए और उन्हें लगा वो नदी में कूद रहे हैं, लेकिन जब नीचे देखे तो पत्थर था और वैसे कूदने के बाद उनकी जान चली गई। कहीं ना कहीं ये जो एक नैरेटिव है ये सेट किया गया है पुलिस द्वारा, और फैमिली का ये साफ तौर पर कहना है कि पुलिस काफ़ी कवर अप करने की कोशिश कर रही है इस पूरे मुद्दे को, कम्युनल कलर देने के साथ साथ इस पूरे मुद्दे पर पुलिस कोई एक्शन ढंग का एक्शन करने से बच रही है। यानी कि फैमिली ने ये भी कहा कि पहले खाना पूर्ति के लिए 4 लोगों को अरेस्ट किया गया लेकिन जो मेन कल्प्रिट था उसका नाम लास्ट तक चार्जशीट में नहीं दायर किया गया। एक कोई तथाकथित ऐसा वीडियो है जो वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, और वो वीडियो कहीं ना कहीं बहुत सारे पब्लिक डोमेन से भी डिलीट करवाया गया है, और उस वीडियो में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि लड़कों को मारा गया है, इन तीनों लड़कों को मारा गया, बहुत बेदर्दी से मारा गया और इन्हें फेंका गया महानदी ब्रिज से और इनकी जान चली गई है कि नहीं, ये चेक करने के लिए भी जो 10-15 लड़के थे, बताया जाता है कि वो शायद किसी एक रिलीजियस आउटफिट के थे, उस रिलीजियस आउटफिट के थे जो जाने जाते हैं गौमांस की तस्करी के अगेंस्ट काम करने के लिए। कहीं ना कहीं ये बोलना अभी साफ नहीं होगा क्योंकि अभी भी इस पर संशय बना हुआ है कि वो लड़के कौन से ग्रुप को बिलोंग करते थे, लेकिन 10-12-15 कुछ ऐसे लड़के थे जिन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। तो जो मेन कल्प्रिट था उसका नाम चार्जशीट में बहुत बाद में जुड़ा, और जो सेक्शंस भी जोड़े गए हैं यानी कि आपके भारत IPC के जो सेक्शंस भी जोड़े गए हैं वो सेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा सख्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का एक वर्जन हो रहा है और फैमिली का एक वर्जन हो रहा है,
ट्रायल कोर्ट में इसकी कार्रवाई लगातार चल रही है। पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है और जो विक्टिम की तरफ से भी जो काउंसिल है वो अपना पक्ष पेश कर रहे हैं कि ये सरासर झूठ है। पुलिस इस पूरे मामले में गुमराह करने की कोशिश कर रही है, इसे कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रही है। और ये बात मैं आपको बता दूँ, फैमिली लगातार ये कह रही है कि उन 10-15 लड़कों ने बिल्कुल भी लड़कों से, जो तीन लड़के भैंस लेकर जा रहे थे, उनसे बातचीत करने की एक बार भी कोशिश नहीं की। बस ये सस्पिशन था कि गौमांस लेके जा रहे हैं, ना एक बार बात की गई, ना कुछ किया गया, डायरेक्टली अटैक कर दिया गया और ऐसा अटैक किया गया कि उन्हें बेदर्दी से मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं कानून अपने हाथ में लेने का सबसे बड़ा यह जो डिबेट है, इसकी जो राइज हुई है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। और इसलिए हम आपसे भी पूछते हैं कि भले इस केस में जो एंड रिजल्ट हो वो कुछ भी हो, क्योंकि अभी दो अलग अलग कहानी पैरेलली चल रही है। एक है फैमिली का वर्जन जो कह रहे हैं कि पुलिस कवर अप करना चाह रही है, बहुत प्रेशर है पुलिस पर गवर्नमेंट की तरफ से और इसलिए कवर अप करने की कोशिश हो रही है और इसलिए इसे सुसाइड बताया जा रहा है, जबकि ये सरासर मर्डर है। पुलिस कह रही है कि हमने फैमिली से ऑलरेडी बातचीत की हुई है, फैमिली ने हमें जो बताया उसके बेसिस पर यह चार्जशीट फाइल करके हमने ट्रायल कोर्ट में पेश किया है। अब ये जो दो अलग अलग वर्जन है, इसका वर्डिक्ट ट्रायल कोर्ट में भगवान जाने क्या होगा आने वाले दिनों में इस पूरे केस में और किस तरह से ये केस आगे बढ़ेगा। लेकिन हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर गौमांस तस्करी में कोई पकड़ा भी जाता है तो उसे सबसे पहले पुलिस के पास ले जाना सही होता है या कानून अपने हाथ में लेके किसी की जान ले लेना इस संशय में कि शायद वो गौमांस हो, ये करना ज़्यादा सही होता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से गौ तस्करी को लेकर गंभीरता नज़र आ रही है गवर्नमेंट की, इस केस को लेकर उतनी गंभीरता सरकार में नहीं दिख रही है और सरकार कहीं ना कहीं इसे कवर अप करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, भागते हुए भी कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब भी हम पुलिस के पास भी गए, हम इनफैक्ट कीर्तन ठाकुर जो इस पूरे मामले में SIT के हेड है, यानी कि इस पूरे मामले में गवर्नमेंट ने अच्छे से कार्रवाई करने के लिए SIT का गठन किया, उस पूरे SIT कहीं ना कहीं जिस हिसाब से गौ तस्करी को लेकर गंभीर नजर आ रही है गवर्नमेंट की, इस केस को लेकर उतनी गंभीरता सरकार में नहीं दिख रही है और सरकार कहीं ना कहीं इसे कवर अप करने की कोशिश जरूर कर रहा है, भागते हुए भी कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब भी हम पुलिस के पास भी गए, हम इनफैक्ट कीर्तन ठाकुर जो इस पूरे मामले में SIT के हेड है, यानी कि इस पूरे मामले में गवर्नमेंट ने अच्छे से कार्रवाई करने के लिए SIT का गठन किया, उस पूरे SIT कमेटी के वो हेड है कीर्तन ठाकुर, जब हमने उनसे पूछा इस पूरे मामले पर तो उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उनका ये कहना था, वो भले SIT के हेड हो, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उन्हीं के अंडर है जिसके अंडर ये पूरे केस की कार्रवाई चल रही है, लेकिन उनका काफ़ी उखड़ा हुआ एक अंदाज हमें देखने को मिला। इनफैक्ट कीर्तन ठाकुर ये लगातार कहते हुए नजर आए कि हमने अपना काम सही से किया और अगर ऐसा कोई वीडियो है भी तो वो वीडियो हमारे पास आएगा तो हम उस पर कार्रवाई ज़रूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और वो लगातार यही कह रहे थे कि ये सुसाइड है और हमने ये साफ साफ अपने चार्जशीट में लिख दिया है कि ये सुसाइड है। और इनफैक्ट पुलिस का ये कहना है कि फैमिली ने भी ये कहा है कि ये सुसाइड है। अब फैमिली झुटला रही है इस पूरे नैरेटिव को, कौन सच कह रहा है ये बात आगे नहीं पता चलेगी। लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आप किसी को ऐसे गौमांस के साथ पकड़ेंगे तो क्या आप कानून हाथ में लेंगे या आप कोशिश करेंगे कि कानून का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और उनको कानून के हवाले कर दिया जाए। बिल्कुल, ये आज के राउंड अप का ही हमारा मैसेज था। अब कुछ 3-4 दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी, किस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है सद्दाम की, उससे भी जानकारी मिलेगी कि शायद इंजरी नीचे गिरने से हुई है या किसी के मारने से हुई है। बहुत पेचीदा ये केस हो गया है, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ लगातार बांटते चलेंगे। आज के राउंडअप में बस इतना ही, मैं सुमी केवल पटेल वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूँ। बने रहिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ तक पर और देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंडअप। नमस्कार, जय जवाहर।